हेलो गाइस, आज हम एक ऐसा लेक्चर लाए हैं जो शायद आप लोगों को इंटरेस्टेड लगे, क्योंकि ये आज के बर्निंग इश्यूज पे रिलेटेड है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, और चूंकि जब कोई महामारी घोषित है, अपना भारत भी उसका हिस्सा है, तो यहाँ पे जब कोई एक अधिनियम लागू है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको एक आम नागरिक की मतलब एक आम नागरिक को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस मतलब ये प्रावधान अभी क्यों लागू है, इस अधिनियम के तहत कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसको अभी लागू किया जा रहा है मौजूदा समय में। तो इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 या डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट 2005, जब हम इसकी बात करें तो इसमें आपदा को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। जब हम सामान्य शब्दों में देखें तो आपदा से मतलब हम ये समझते हैं कि कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कि चक्रवात तूफान हो गया, जैसे उड़ीसा में कुछ टाइम पहले आया था फैनी नाम का चक्रवात, और हम देखते हैं ज्वालामुखी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सारी कंडीशन जो है हमको प्राकृतिक आपदा लगती है। लेकिन जब आप इस अधिनियम की बात करें तो इसमें मानव गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण को या अन्य किसी को नुकसान हो रहा है, उस चीज को भी मतलब कोई महाविपत्ति आ रही है, चाहे वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण हो या मानव की किसी उपेक्षा के कारण, उसकी गतिविधियों के कारण अगर कोई ऐसा पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, महाविपत्ति आ रही है, तो उसको हम आपदा में इसमें परिभाषित करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ सेक्शन है यहाँ पे, सारे मतलब जो सेक्शन है, टोटल 79 सेक्शन है, उसको तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो जिसके आधार पर अभी जो सजा दी जा रही है उल्लंघन करने पे व्यक्तियों को, तो हम उसी को यहाँ पे देखेंगे, उसी चीज़ को हम यहाँ पे रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 51 से। तो सेक्शन 51 बोलता है बाधा पहुँचाना। ठीक है, बाधा पहुँचाना से, बाधा डालना से मतलब ये है कि कोई सरकारी व्यक्ति है, उसको जो अपने पद में रहने के कारण कोई कर्तव्य मिले हुए, उस ड्यूटी को वो फॉलो भी कर रहा है, लेकिन उस ड्यूटी को करने से अगर कोई व्यक्ति उसको रोक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम सेक्शन 51 के तहत एक अपराधी मानेंगे और उसको सजा मिलेगी 1 साल तक की सजा या फिर जुर्माना। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सरकारी सेवक को कार्य करने से रोक रहा है जिसके लिए वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 52, ये बोल रहा है मिथ्या या झूठा दावा करना। जब कोई व्यक्ति मिथ्या या झूठा दावा करता है तो उसको सजा मिलती है, इसका यहाँ पे प्रावधान है। तो ये दावा किसके संबंध में होता है? देखिए, हम जैसे अभी जान ही रहे हैं कि सरकार जो है, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, अपने अपने स्तर पे जरूरतमंदों को सुविधाएं मुहैया कराने पे जुटी हुई है। उनको राशन सामग्री उपलब्ध कराना, मास्क वगैरह बांटे जा रहे हैं, दवाइयाँ बांटी जा रही है। तो ऐसे जो जरूरतमंद हैं, ये स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि जो कैपेबल हैं, जो सक्षम है, वो तो खुद कर सकते हैं अपनी व्यवस्था। तो ऐसे कंडीशन में जो जरूरतमंद वर्ग है, उस वर्ग में न आते हुए भी अगर कोई व्यक्ति, कोई सक्षम व्यक्ति इसका दावा करता है, तो उसको हम इस श्रेणी के अंतर्गत क्या मानेंगे? दोषी मानेंगे, और ऐसा झूठा दावा करने के लिए उसको सजा दी जा सकती है, और ये सजा होगी 2 साल तक की सजा और जुर्माना। ठीक है, यहाँ पे जुर्माना साथ में ऑब्लिगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही सेक्शन 53 भी देखना है। सेक्शन 53 क्या बोल रहे हैं कि धन या सामग्री एकत्रित करना। ठीक है, देखिए, जब हम मतलब कि 52 जो हम देख रहे थे, उसमें क्या है, सिर्फ दावा किया जा रहा था, अभी उसको जरूरतमंद की हैसियत से मिला नहीं है कोई चीज। ठीक है, अगर 52 वाले स्टेज में ही पकड़ लिया जाए, सिर्फ दावा करने के टाइम पे ही पकड़ लिया जाए वो, कि वो उस श्रेणी में नहीं आ रहा है फिर भी दावा कर रहा है, तो वहीं पे उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर उस दावा करने के टाइम पे, उस स्टेज पे वो नहीं पकड़ाता है, तो फिर 53 में भी उसको पकड़ा जा सकता है। ऐसी धन या सामग्री को वो झूठा दावा के आधार पे अगर ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आर्टिकल 54, ये है गलत चेतावनी। गलत चेतावनी मतलब कि जैसे हम सभी अभी देख रहे थे कि फेसबुक में या फिर किसी भी व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में कोई अफवाह ना फैलाएं, मतलब मृतक के आंकड़ों से संबंधित या सरकार की कोई फैसले हैं, कोई नीतियां हैं, उससे संबंधित कोई भी अफवाह ना फैलाएं। तो यही चीज है गलत चेतावनी वाली जो सेक्शन 54 में हम देखते हैं उसमें।
तो यहाँ पे यही देखना है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कोई गलत अफवाह फैलाता है जिससे आम जनता की मतलब जो है पैनिक हो जाए या फिर उनके मन में कोई डर बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको दंडित किया जा सकता है। इसके लिए सजा होगी 1 साल तक की और जुर्माना भी साथ में दिया जाएगा। देखिए, जो सेक्शन 55 है वो सरकारी विभाग के द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है, मतलब कि अगर खुद सरकार के किसी विभाग द्वारा, किसी कर्मचारी द्वारा या उसके किसी ऑफिसर द्वारा कोई ऐसा उल्लंघन किया जा रहा है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडित किया जाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जो विभागाध्यक्ष है उसको हम एक दोषी व्यक्ति की भांति उस पर मतलब कार्रवाई चलाई जाएगी, क्योंकि मुखिया वही है। ये माना जाता है कि जो मुखिया है उसको सारी चीज़ों की जानकारी होगी पहले ही कि उसके संस्थान में, इंस्टीट्यूशन में क्या काम हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर विभागाध्यक्ष जो है वो साबित कर दे कि उसकी जानकारी में ये सब नहीं हुआ था, या फिर उसकी जानकारी में तो हुआ था लेकिन उसने ऐसा अपराध घटित ना हो, इसको रोकने के लिए पूरे सार्थक प्रयास किए थे, उसके बाद भी वो रोक नहीं पाया, उसके बाद भी एक घटना हुई जिसको हम ऑफेंस मान रहे हैं, अपराध मान रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में विभागाध्यक्ष को दोष मुक्ति दी जा सकती है, मतलब उस पर मतलब सजा ऑब्लिगेट नहीं की जाएगी। और कोई जो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया था, ऑफेंस किया था, उसी को हम क्या मानेंगे, उस पर सुनवाई की जाएगी, ठीक है। अब जो सेक्शन 56 है वो क्या है, कर्तव्य पूरा ना करना। देखिए, जब हम सेक्शन 51 की बात कर रहे थे तो क्या था कि जो सरकारी सेवक है वो कर्तव्य पालन कर रहा है लेकिन उसको एक आम व्यक्ति रोक रहा है कर्तव्य पूरा करने से। लेकिन 56 क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे सरकारी सेवक खुद ही उल्लंघन कर रहा है, खुद ही लापरवाही कर रहा है, अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहा है, जो उसको सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको भी 1 साल तक की सजा और जुर्माना दिया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है 57, ये क्या बोलता है, आदेश के उल्लंघन के बारे में। तो आदेश का उल्लंघन कहने का मतलब, देखिए, इसका जो सेक्शन 65 है इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा जब घोषित है, वो किसी भी तरीके की हो मौजूदा में, जैसे कोरोना वायरस है, तो ऐसा कोई भी अगर डिजास्टर घोषित किया गया है नेशनल लेवल पे, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 65 के तहत सरकार को ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो एक ऐसा आदेश जारी कर दे कि आम जनता की किसी तरीके से अगर कोई हेल्प चाहिए तो सरकार ले सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए सरकार को अभी एम्बुलेंस की कमी हो गई है मान लीजिए, और वो किसी की गाड़ी को, किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्राइवेट गाड़ी को क्या करना चाहता है, लेना चाहता है, तो ऐसा उसने आदेश भी जारी कर दिया है इस संबंध में। लेकिन अगर ऐसा प्राइवेट व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी नहीं देता है तो उसको हम इस सेक्शन के तहत दंडित करेंगे और इसके लिए सजा होगी 1 साल तक की और साथ में जुर्माना भी, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 58, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये बोलता है कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में, ठीक है। तो देखिए, जैसा हम सेक्शन 55 में देखे थे, सरकारी विभाग द्वारा अगर कोई काम ऐसा हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तब कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, वही कंडीशन इसमें भी है 58 में। तो यहाँ पे यही होगा कि अगर जो भी कंपनी है वो फिर कॉर्पोरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो, ठीक है, निगमित हो या अनिगमित हो, तो ऐसी कंडीशन में उसका कोई भी चेयरमैन है, अध्यक्ष या मैनेजर है, उसका सेक्रेटरी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस स्थान का, संस्थान का भार साधक है, ठीक है, मतलब जिसको नियुक्त किया गया है उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए, तो जो ब्रांच है वहाँ पे, ठीक है, मेन ब्रांच को, मेन हेड ऑफिस को नहीं बोला जा रहा है, जहाँ पे भी ब्रांच है उसको भी, वहाँ का जो भार साधक व्यक्ति है उसको हम वहाँ पे वैसा व्यक्ति मानेंगे जिसके देखरेख में, नियंत्रण में ही वो इंस्टीट्यूशन या वो जो संस्थान है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसी के ऊपर ही दोषारोपण करेंगे, ठीक है, अगर उसके द्वारा कोई उल्लंघन किया जा रहा है तो। लेकिन 55 की बात ही, यहाँ पे भी वो प्रोविजन लागू होगा कि अगर ऐसा सेक्रेटरी है या फिर मैनेजर है, संचालक है, डायरेक्टर है, कि अगर साबित कर दे कि उसकी जानकारी में ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ था या फिर उसने ऐसी घटनाओं को रोकने का पूरा सार्थक प्रयास किया था, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम दोष मुक्त कर देंगे और दोषी व्यक्ति की पहचान करेंगे, उसको ढूंढेंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें सेक्शन 61 भी है जो ये बोलता है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कास्ट को, रेसिस्ट को, मतलब की सुविधा पहुंचाने में, ठीक है। इसके अलावा इस अधिनियम में 3 लेवल पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, एक तो केंद्र लेवल
केंद्रीय स्तर पर कर सकते हैं, केंद्रीय मतलब कि आपदा प्रबंधन ट्रिब्यूनल प्राधिकरण, और राज्य स्तर पर भी कर सकते हैं, जिला स्तर पर भी कर सकते हैं। जब केंद्र स्तर पर होगा ऐसे प्राधिकरण का या ट्रिब्यूनल का गठन, तो उसमें जो चेयरमैन है वो पीएम होंगे, और जब राज्य स्तर पर किया जाएगा तो उसका चेयरमैन होगा सीएम, और जब जिला लेवल पे किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर। ठीक है, इनका काम यही होगा कि आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कोई भी नीतियों का निर्माण करें, उन नीतियों का योजनाओं का एग्जीक्यूशन करें, कार्यपालन करें। ठीक है, इससे संबंधित सारी विधियों का देख रेख वो अपने क्षेत्राधिकार में रह के करेंगे। तो ठीक है, आपको इतना ही ध्यान देना है, मतलब हमको इतना ही ध्यान देना है इस चीज़ में, ताकि हम हमारे द्वारा इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।